हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाटर प्यूरीफायर्स के बारे में। दोस्तों, वाटर प्यूरीफायर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे घरों में, क्योंकि आजकल जो पानी के स्रोत हैं वो गंदे हो चुके हैं। उनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलता है, डोमेस्टिक वेस्ट जाके मिलता है, तो वो पानी डायरेक्टली पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि लोग डायरेक्टली कुएं से पानी लाते थे या नदियों से पानी लाते थे तो पी लेते थे, क्योंकि उस टाइम इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतनी गंदगी नहीं थी। लेकिन अब आपने देखा होगा नदियों में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है कि पानी को आप नहीं पी सकते हैं डायरेक्टली, और उसके लिए आपको वाटर प्यूरीफाई चाहिए ही होता है अपने घर में। क्योंकि अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, 100 तरह की बीमारियां लग सकती हैं। इसीलिए ही दोस्तों वाटर प्यूरीफायर्स बहुत ज़्यादा चलन में आजकल आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, वाटर प्यूरीफायर कौन सा हमें लेना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप RO खरीदने के बारे में सोच रहे हों तो सबसे पहले एक TDS मीटर आप ज़रूर खरीद लें। सिर्फ 200 या 250 रुपये का वो आता है। दोस्तों, TDS मीटर से आप अपने घर में जो पानी आपके आ रहा है, जिसको आप इस्तेमाल में लेते हैं पीने के, उसका TDS लेवल पता कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने घर से एक गिलास में पानी भरिए और उस गिलास वाले पानी को आप किसी पास वाले RO वाले शॉप में जाइए, वहाँ पर TDS मीटर आपको मिलेगा, उनसे आप अपने पानी का TDS चेक करा लीजिए। बट दोस्तों, मैं एडवाइस करूंगा कि एक TDS मीटर ही खरीद लो, 200-250 रुपये की बात है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपके काम आता रहेगा। क्योंकि जब आप RO या कोई भी फिल्टर लगवा लोगे, उसके बाद भी आपको बाद में भी TDS चेक करते रहना पड़ता है, ताकि आपको एक गुड क्वालिटी का पानी मिलता रहे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है उसका सोर्स क्या है। क्या वो रिवर वाटर है, कोई लेक वाटर है, कहीं तालाब से आ रहा है पानी, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आपने कनेक्शन ले रखा है, या फिर वो ग्राउंड वाटर है, बोरवेल करा रखा है आपने, या फिर मल्टीपल सोर्सेज से आपके घर में पानी आता है। तो इन चीज़ों को भी आपको कंसीडर करना होता है किसी भी वाटर प्यूरीफायर को परचेज करने से पहले। हालांकि अगर आप किसी कंपनी के पास जाएंगे या किसी वाटर प्यूरीफायर वाले से पूछेंगे तो वो आपको सीधा ही बोलेगा कि RO लगवा लो। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में जो पानी आ रहा है आपको पता होना चाहिए कि वो किस लेवल का आ रहा है। तो जैसे आपने TDS चेक कर लिया, अब TDS लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको अपना वाटर प्यूरीफायर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि TDS लेवल होना कितना चाहिए। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 500 TDS तक का पानी हम पी सकते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बट स्टिल 300 TDS से ऊपर के पानी को पीने का एडवाइज़ नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका TDS लेवल बिलो 300 TDS है तो आप पानी वो पी सकते हो। बट दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पानी के जो सोर्स हैं वो गंदे हो चुके हैं, पॉल्यूटेड हो चुके हैं, तो उसको प्यूरीफाई या फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है पीने से पहले। दोस्तों, मेजरली 3 तरह के वाटर प्यूरीफायर्स मार्केट में मिलते हैं। हालांकि बहुत तरह के आपको मिल जाएंगे, बट मेजरली 3 ही तरह के होते हैं, बाकी सब कॉम्बिनेशन होते हैं एक दूसरे के। तो दोस्तों, जो एंट्री लेवल के वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं, जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आपको 1000-1200 की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं, वो होते हैं दोस्तों ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरीफायर्स। यानी कि उनके अंदर 2 टैंक होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले टैंक में आप पानी डालते हो और वो फिल्टर होकर नीचे वाले टैंक में आ जाता है। इसमें आपका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। अगर आपके पानी का TDS 300 से कम है तो आप इस प्यूरीफायर को यूज़ कर सकते हो। दूसरे टाइप के जो फिल्टर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं UV फिल्टर्स। ये एक ट्यूबुलर शेप में फिल्टर होता है बेसिकली। इसके अंदर से पानी होकर गुजरता है और इस ट्यूब के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज चलती रहती हैं, जिनके अंदर से पानी होकर गुजरता है। तो दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेज होने के कारण पानी में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, वो सारे मर जाते हैं और आपका पानी 8 घंटे तक वायरस और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो आपको ये सिंगल वाले भी मिल जाएंगे जो सिर्फ UV होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सिर्फ UV वाले नहीं लेने हैं, आपको UV+ UF वाला लेना है।
यूएफ दोस्तों होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें एक मेम्ब्रेन लगा होता है जिसमें हॉलो फाइबर पाइप्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें से होकर पानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि छन कर आ जाता है। तो पानी में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं। उसके बाद यूवी लैंप लगा हुआ है जो कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है। तो अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका लेवल TDS लेवल 300 से कम है तो आप UV प्लस UF वाला लीजिए, क्योंकि आपको RO फिल्टर की ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कंसीडर कीजिए कि अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि RO लगवा लीजिए और TDS लेवल 300 से कम है तो आप बिल्कुल भी RO मत लगवाइए, क्योंकि RO लगवाने से पानी को इतना ज़्यादा प्यूरीफाई कर दिया जाता है कि उसमें से जो हमें खनिज तत्व चाहिए, जो हमारे शरीर की ज़रूरत है, वो भी निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कोई भी वाटर प्यूरीफायर लेने से पहले। अब बात करते हैं RO की, क्योंकि मेन जो मुद्दा है वो RO का ही है और सारी कंपनीज जो हैं वो RO को ही बेचना चाहती हैं। RO के साथ वो UF भी लगाती हैं, UV भी लगाती हैं, NF, MF, जितने भी F हैं वो सारे लगा देंगी, और उसके साथ TDS कंट्रोलर भी लगा दिया जाता है और एक अल्कालाइन फिल्टर भी लगा दिया जाता है। तो यानी कि जितना भी कुछ है वो सब का सब फिट कर दिया जाता है एक फिल्टर में और प्राइस हो जाता है 15,000 से 20,000। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि RO जो होता है वो अपने आप में ही सबसे बेस्ट वाटर प्यूरीफायर सिस्टम है। RO जो फिल्टर होता है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से छेद होते हैं, 0.0001 माइक्रोन के छेद होते हैं। दोस्तों इतना छोटा छेद कि आपको दिखेगा भी नहीं अपनी आँख से। जब इतने छोटे छेद में से कोई पानी होकर गुजरता है तो उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी निकल जाती हैं और आपको सिर्फ एक खोखला पानी मिलता है जिसमें ज़रूरी खनिज तत्व भी नहीं बचते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में जो TDS लेवल है पानी का वो 400 से ऊपर है तो ही आप सिर्फ RO की तरफ जाएं, अदरवाइज RO फिल्टर को अपने घर में ना लगवाएं। और दोस्तों अगर आपके घर में आने वाला पानी ग्राउंड वाटर है या फिर मल्टीपल सोर्स से आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका TDS लेवल हाई ही होगा, तब आपको RO यूज़ करना है। लेकिन दोस्तों RO के साथ आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया UF, UV, NF, MF, जितने भी F हैं वो सारे, और TDS कंट्रोलर, अल्कलाइन फिल्टर, ये सब कुछ आपको मिलता है और हमें लगता है कि यार बस यही वाला ले लो, ये सबसे बेस्ट पानी देगा हमें। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इतने सारी चीज़ों वाला ले लोगे कॉम्बिनेशन तो जब वो ख़राब होगा ना तो सारे ही फिल्टर चेंज होंगे और फिर बहुत मोटा खर्चा आएगा। दोस्तों RO जैसा कि मैंने बताया है कि RO से ज़्यादा पानी को शुद्ध या प्योर कोई भी और टेक्निक नहीं कर सकती, तो जिस फिल्टर में RO लगा होता है वो अपने आप में ही सुपीरियर होता है। तो आप RO के साथ UV कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पानी में जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, उसको किल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कोई भी और चीज़ अपने फिल्टर में नहीं चाहिए होती है। दोस्तों आप सब बोलोगे कि तो फिर ये बाकी चीज़ें क्या काम आती हैं, तो दोस्तों ये बाकी चीज़ें सिर्फ पैसा कमाने के काम आती हैं, क्योंकि अगर आप इतने सारे कॉम्बिनेशन वाला ले लोगे, काम तो सिर्फ RO ने ही करना है, बाकी सब चीज़ें तो बस ये है कि जब वो ख़राब होंगी तो साथ में वो भी बदलेंगे, तो आफ्टर सेल सर्विस का ये सारा खेल है और आपसे बाद में पैसे वसूलने का खेल है ये दोस्तों सारा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि TDS कंट्रोलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लोग कहते हैं कि TDS कंट्रोलर है तो अच्छा TDS देगा वो हमें। दोस्तों होता क्या है कि जब RO काम करता है तो पानी का TDS इतना कम कर देता है कि उसमें जो ज़रूरी खनिज तत्व हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, TDS लेवल 10 से लेकर 15 तक हो जाता है। तो TDS कंट्रोलर लगाया जाता है जिसकी वजह से TDS बढ़ के आपको पानी मिलता है। लेकिन ये एक दोस्तों धोखा है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। जो आपको पानी RO से फिल्टर होके आता है टैंक में, उसी में बिना फिल्टर किया हुआ पानी आपको TDS कंट्रोलर के थ्रू उस टैंक में मिला दिया जाता है। तो यानी कि आपको थोड़ा सा पानी बिना फिल्टर किया हुआ पीना पड़ता है, जिससे TDS लेवल ऑब्वियसली बात है बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये है TDS कंट्रोलर की कहानी। और दूसरी बात अल्कालाइन फिल्टर, दोस्तों जब पानी को आप
10 से 15 TDS पर ले आते हैं तो पानी में कुछ भी नहीं बचता है, ना जरूरी मिनरल्स और ना ही जरूरी खनिज तत्व उसमें बचते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और वो पानी स्लाइटली एसिडिक भी हो जाता है। तो उस पानी को एसिडिक होने से बचाने के लिए उसमें अल्कलाइन फिल्टर लगाया जाता है, और फिल्टर किए हुए पानी को अल्कलाइन फिल्टर में से होकर के गुजारा जाता है। उस फिल्टर के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो पानी का पीएच लेवल कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आप सब समझ सकते हो कि पानी जो कि एक फ्री का है, नेचुरल सोर्स है, उसमें हम केमिकल मिला करके पी रहेंगे तो हमारी सेहत ख़राब होगी ही। तो दोस्तों आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आरओ आपको तभी लगवाना है जब आपकी बहुत मजबूरी हो, आपके यहाँ पर आने वाले पानी का टीडीएस बहुत ही हाई हो, तभी आप आरओ को लगवाएं, अदरवाइज़ आपको आरओ की ज़रूरत ही नहीं होती है। आरओ बेसिकली शिप्स के लिए या मरीन्स के लिए बनाए गए थे, क्योंकि शिप्स को महीनों तक समुंदर में रहना होता है तो वो समुंदर का ही पानी फिल्टर करके पीते हैं। तो आप सब जानते हो समुद्र का पानी कितना सॉल्टी होता है, उसको आप नहीं पी सकते, बहुत खारा होता है। तो उसी खारे पानी को प्योर करके यानी कि मीठा करके पीना पड़ता है मरीन में रहने वाले लोगों को, या फिर जो उसमें सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को, वो उनकी मजबूरी होती है दोस्तों। इसीलिए आरओस को बनाया गया था ताकि शिप्स में पानी की कमी ना हो, और अब इस चीज़ को मार्केटिंग टर्म बना दिया गया है और घर घर में पहुंचा दिया गया है, जबकि सभी घरों में इनकी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ बेस्ट मॉडल्स हैं वाटर प्यूरीफायर्स के, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई अच्छा वाटर प्यूरीफायर लेना है तो आपको हेल्प मिलेगी, उनको जाकर कंसीडर कीजिए, कंपेयर कीजिए आपस में, प्राइस देखिए उनका, और फिर टीडीएस लेवल चेक करने के बाद ही आप कोई भी परचेज कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि उन सभी को पता लगे कि ये सारा खेल क्या है आरओ का। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।